हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक आ चुका है, डरने की लेकिन बात नहीं है। रिवीजन करते रहेंगे तो अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड डे है इकोनॉमी का। एग्रीकल्चर के बारे में आपको मैं चाहता हूँ कुछ टॉपिक्स बताना, डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन दोस्तों आज मैं चाहता हूँ आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत से बच्चे छोड़ के जाते हैं, शायद अगर हम इसमें से दो या तीन सवाल निकाल पाएँ तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है, अच्छे नंबर हम ला सकते हैं। ओके, एग्रीकल्चर के बारे में शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ स्टार्टेड टॉपिक्स हैं जो हमें हमेशा ही पता रहना चाहिए, एंड देन थोड़ा इलाबरेट लेक्चर होगा इंफ्रा के जो अपने कॉन्टेंट के बारे में। ओके देन दोस्तों, भारत का ना जैसे जो एरिया हाइएस्ट रैंक एरिया कहा गया था कि क्रॉप्ड एरिया में भारत ने रिसेंटली कहते चाइना को भी ओवरटेक कर लिया था, तो ये जरूरी है, इस पर एक बार बात की जाए। देन एग्रीकल्चर के जीवीए में अभी कोविड था, कोविड के बाद देखा जाए तो कोविड के बाद एग्रीकल्चर का जो आउटपुट था या फिर जो प्रोडक्शन था, दैट वाज द ओनली थिंग विच वाज पॉजिटिव। बाकी सारी फैक्ट्रीज एक्सेट्रा सब नेगेटिव हो गई थी। जीडीपी का ओनली जो सिल्वर लाइनिंग हमें देखने को मिलती थी वो थी एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंट है ट्रेंड देखें। एंड देन ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है, रेन फेड फार्मिंग से कैसे अलग है, ज्योग्राफी में कवर करते हैं। एंड लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी जरूरी होती है, यूपीएससी स्टैटिक सवाल पूछता रहता है। एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड उसके पहले हमारे जो एग्रीकल्चर कैसा था, एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ नेगेटिव्स, इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सेट्रा की बात हो रही है तो जानना जरूरी। एंड देन जो क्रॉपिंग सीजन है भारत में, खरीफ रवी क्या रहते हैं, हमने इस पर 2 मिनट भी किया है तो आपको जो थोड़ा एमएसपी एक्सेट्रा पर बात थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। एंड देन अगर यहाँ पर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली राइस एक्सपोर्ट, लास्ट टाइम भी कवर किया था, यूपीएससी सवाल पूछा लास्ट टू लास्ट टाइम तो, और ये जो कंसिस्टेंटली राइस एक्सपोर्ट में नंबर वन रहते हैं तो इंपॉर्टेंट है। देन इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स था, उसके बारे में मिलेट्स की बात, देखो मिलेट्स के होने से हमारे को फर्क क्या पड़ता है, यहां पर सिर्फ एक फर्क पड़ता है कि हमें ऐसे जो कोर्स सीरियल्स हैं, कोर्स ग्रेन्स की बात है, एंड देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में हमें पता लगता है। एंड देन कि उसके बाद जो एग्रीकल्चर रीजन है भारत की, कैटेगराइजेशन ऑफ फार्मर्स की, स्मॉल फार्मर्स उसको कहा जाता है, भारत सरकार ने क्लासिफाई किए हुए हैं कितनी लैंड है कितनी नहीं। एंड देन कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो कृषि सिंचाई योजना, एंड देन परंपरागत कृषि विकास योजना मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सेट्रा प्रमोट की जाती है, माइक्रो इरिगेशन फंड भी बहुत, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, एंड देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये हैं जो स्टैटिक से टॉपिक्स हैं, बहुत टाइम से जो हम पढ़ते जा रहे हैं, कभी भी यूपीएससी सवाल तीन चार को सवाल पूछ लेते हैं। एंड देन कुछ इस साल के भी होंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। एंड देन जो हमारे पास जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कॉम्पोनेंट्स, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट सवाल पूछा गया लास्ट ईयर में, बाम्बू मिशन एंड फसल बीमा योजना, की फसल बीमा योजना जो कैसे पहले बहुत सारी जगहों पर आपकी हुआ करती थी कि आपको ऑप्शनल मैंडेटरी कर दी गई। एंड देन जो पेनल्टीज हैं एग्रीकल्चर नाम है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की, पूरे देश को एक मार्केट बनाया जाए उसको लेके जो वहां पे बात शुरू हुई थी। एंड फूड सिक्योरिटी मिशन, देखो फूड सिक्योरिटी मिशन एंड फूड, हमारे पास जो एफएसए रहता है, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट होता है, ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है कि कहीं पर मिशन में अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने अपनी पैदावार कैसे इंक्रीज करनी है ऑयल्स एक्सेट्रा की, एंड देन दूसरा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है एनएफएसए, उसमें हम कहते हैं कि हमने लोगों को सस्ता अनाज देना है 3-2-1। ठीक है, 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, जो हमारे पास राई जो वीट राइस एंड कोर्स सीरियल्स रहेंगे। ओके, देन एमआईडीएच मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, आरकेवीवाई जो हमारे पास, एंड देन जो कुछ एप्स थी, युवा सहाकार, राइस वैरायटीज, एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, कुसुम, अनगिनत बार सवाल पूछे जा चुके हैं कुसुम पर, तो खत्म होने का नाम ही नहीं आ रहा। एंड देन स्पेस टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर में यूज होती है, कुछ कुछ एप्स के बारे में बात करते हैं हम। एंड देन स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स इकट्ठे करने की बात हो रही है, एसएफएसी जो हमारे बनाने की बात होती है, कि इवन की जो हमारे पास कुछ ऐसी कंपनीज बनाने की बात भी हो रही है जो बनती जा रही है फार्मर्स की, जो कि आरबीआई ने भी जिसको कहा कि आप जो किसको जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो अगर आप करते हैं, अगर आप ऐसे जो छोटी छोटी जो किसानों की जो कंपनीज बनती हैं इसको अगर आप उधार देते हैं तो वो एग्रीकल्चर की तरफ ही माना जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली ये भी माना जाएगा कि आपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की है, बैंक्स को ये हिदायत दी। ठीक है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, एंड देन ग्राम्स अनाउंस किया गया था प्रीवियस बजट्स में, एंड देन उसके बाद जो हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर, आशा एंड जो पीएम आशा थी जो कि हमने सपोर्ट करने की बात की थी कि एमएसपी के इन बिटवीन कुछ रिजीम बनाने की कोशिश कर रहे थे, पायलट प्रोजेक्ट था, बहुत कामयाब तो ऐसे नहीं हुआ लग रहा, लेकिन सवाल बन सकता है। एमएसपी पे हमने 2 मिनट किया, एफआरपी पे भी किया, एंड बेसिक कुछ कॉस्ट रहती हैं जो वेरियस कॉस्ट जो यूज की जाती हैं वो भी हमने 2 मिनट में डिस्कस किए। ओके ठीक है दोस्तों।
ठीक है, तो ये MSP, FRP, कॉस्ट पर 2 मिनट है, आप देखिए जो 18-19 मिनट का 2 मिनट है, और पूरा कंप्लीट डिटेल में जो इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है वो हम जान सकते हैं। ओके, जो पैडी का रेजिड्यू बर्निंग इंपॉर्टेंट इशू रहता है, एनवायरमेंट में कवर हो जाता है, एंड देन जो उसके बाद जो सॉइल से एमिशंस भी रहते हैं, GM क्रॉप्स, महिला किसान दिवस इंश्योर, एंड हमारे पास जो इंफ्रा है, जो फार्म सेक्टर से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट फंड है, उसके लिए हमारे पास ई चारा की योजना थी, कोई किसान संपदा। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी भूली बिसरी यादों में चली जाती हैं चीजें हमें। अगर आपको लगता है इसमें से मैंने कोई चीज नहीं देखी, क्विक गूगल कीजिए, 7-8 घंटे से ऊपर आपका नहीं लगेंगे, सब चीजें आप कवर कर सकते हैं, और थोड़ा कॉन्फिडेंटली जाएंगे, ठीक है। ओके, ऑपरेशन ग्रीन्स, FPOs, मैंने आपको बताया, जो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम के बारे में भी, केज फार्मिंग एंड जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये सवाल UPSC मेंस में भी पूछ चुका है, अब तो प्री में भी पूछ चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस साल कुछ खास जो पर्टिकुलर चीजें, इस साल के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, कोविड के बाद आपने कहा था कि हम फ्री में जो अनाज देंगे, तो फूड सब्सिडी बिल एंड टोटल सब्सिडी बिल बहुत ज्यादा जो बढ़ गया, फूड सब्सिडी बिल, एंड देन लोकस्ट अटैक हुए थे, कहां कहां रीजन में लोकस्ट क्यों आते हैं, एक्सेट्रा रीजंस, एंड देन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया हमने, उसकी एप्लीकेशन, जो हमारे पास APMCs रहती हैं, एग्रीकल्चर प्राइस प्रोडक्ट मार्केटिंग जो कमेटीज रहती हैं, उनको हमने अमेंड कर दी, करने की बात कर रही है, रिफॉर्म करने की बात कर रही है, हमने करी है, एक्ट पास की उसको लेके, एंड देन जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का प्रोविजन है, ये न्यूज़ में भी था, क्योंकि जो रिसेंटली ऐसा भी हुआ था कि फार्मर्स पर अटैक में लेके एक SDM भी कहीं जो घेरे में आ गए थे, तो इसलिए SDM ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अथॉरिटी भी है, एंड अकॉर्डिंगली क्या प्रोसेस है हमें जानना जरूरी हो जाता है, एंड देन एग्री इंफ्रा फंड, एंड देन उसके बाद कुछ हाई वैल्यू एग्री प्रोड्यूस भी हैं हमारे देश में, हम करते हैं, कौन से हैं, UPSC ऐसे सवालों के बहुत ज्यादा जो एकदम से रैपिडली अट्रैक्ट होता है, हमें पूछने जो हमें इसे पता होने चाहिए, एंड देन उसके बाद FPOs जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट की जा रही हैं, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर बैग्स पर लिमिट लगाने की बात हो रही थी लेकिन शायद वो अभी नहीं हुआ, तो इसलिए जो फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती कैसे है एक्सेट्रा, NAFED है ना, एक है, एंड देन NAFED, एंड देन जो हमारे पास जो वेरियस कुछ स्कीम्स हैं, क्रॉप्स, MSP, वन रेशन एक्सेट्रा, तो एक बार आप इन पर प्लीज थोड़ा सा जो नजर डालें, मैं डिटेल में नहीं जा सकता। ऑलराइट, ओके, देन उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि हम कुछ इंफ्रा के टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ लें, ठीक है, तो वो इंफ्रा के टॉपिक्स हैं कुछ यहाँ पर जो 25-30 के आसपास, मैं बहुत 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 रैपिडली चाहता हूँ निकालना, क्योंकि लास्ट हमारे पास कुछ दिन रह गए हैं, एंड ताकि हम एक बढ़िया सा कुछ, अगर हमें उसके बारे में कोई सवाल पूछा जाए तो हम ब्लैंक ना ड्रॉ करें, हमें कुछ पता हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने जो एग्रीकल्चर में देखा वो इंपॉर्टेंट था, मैं एग्रीकल्चर के एक भी टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरा साल भर हम डिस्कस करते रहते हैं 2 मिनट एक्सेट्रा वगैरह में भी, इंफ्रा हम एक पर्टिकुलर ऐसी चीज है जहां पर एक्स्ट्रा हम कुछ मार्क्स और कुछ एज बना सकते हैं बाकियों से, चलिए उस पर काम करते हैं आज। तो दोस्तों इस पेज पर आ चुके हैं हम, ये है हमारा इकोनॉमी का कुछ जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले करंट अफेयर्स, ठीक है, तो ये कुछ वो वाले टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स 2021 में हमें कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। मैं एक एक करके शुरू करता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ बताना कि मैं आपके बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है जो प्री में सवाल पूछे जा सकते हैं उस पर थोड़ा फोकस करूँगा, PDF अटैच रहेगा, आप इसको चाहें तो अपनी स्पीड पर थोड़ा इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले जैसे ना ये देखो, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें कलेक्टेड हैं, थोड़ा थोड़ा शायद चीज़ों में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मान लीजिए 883 यहाँ पे ड्रग्स हैं जो या शेड्यूल फॉर्मुलेशन हैं, हो सकता है 884 हो गई हो, 885 हो गई हो, तो इतना डिटेल में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली मैं आपको चाहता हूँ यहाँ पे बताना कि कॉन्सेप्ट समझा दूँ, एंड इंपॉर्टेंट कुछ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कॉन्सेप्ट एंड कुछ डिटेल्स, कुछ टर्म्स। ओके, जैसे दोस्तों अभी जो कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसे था कि मेडिकल डिवाइसेज एक्सेट्रा बंद हो गई थी, यानी एंड महंगी होती जा रही थी, तो सरकार एक क्या काम करती है, सरकार के पास एक NPPA रहता है, NPPA होता है हमारे पास एक एजेंसी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। दोस्तों पहला सवाल यहां पर, ये अथॉरिटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, दोस्तों ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। सर केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि दोस्तों हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां रहती हैं वो भी केमिकल्स हैं, तो इसीलिए जो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है, सॉरी जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, उस डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के नीचे एक हमारे पास एक अटैच्ड ऑफिस है, नाम है NPPA। दोस्तों इसीलिए दवाइयों की जो फॉर्मुलेशन रहती हैं, वेरियस कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन वगैरह जो बनते हैं, उसको लेकर हमने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर निकाला हुआ है कि इन दवाइयों के दाम इस पर्टिकुलर जो प्राइस के ऊपर नहीं होंगे, तो उसी में ही ऐड कर दिया गया था मेडिकल डिवाइसेस को भी, कि सिर्फ और सिर्फ जो दवाइयाँ जो हैं उनके दाम कंट्रोल करना इनफ नहीं है, हमें अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलरली मेडिकल डिवाइसेस को भी ऐड करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसलिए प्री में सवाल पूछा जा सकता है कि क्या सिर्फ DPCO जो लाया जाता है ड्रग प्राइस कंट्रोल
कंट्रोल ऑर्डर, उसमें सिर्फ दवाइयां रहती है? नहीं सर, मेडिकल डिवाइसेज भी रहती हैं, ऐड कर दिया गया। एंड इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल पूछा जा सकता है। एक दोस्तों यहां पे और चीज देखो, पैरेलली मैं भी साथ साथ में गूगल कर रहा हूं। आई रियली वांट यू टू कैरी अलोंग एंड मे बी जो भी चीज समझ नहीं आ रही पॉज करो एंड गूगल, ठीक है दोस्तों? ओके, जैसे यहां पर जैसे एक इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज इट टॉक्स अबाउट, जैसे मैंने एनपीपीए डाला गूगल में, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, उसने मुझे बताना शुरू कर दिया उसके बारे में। लेकिन पैरेलली एक और उसने संस्था के बारे में मुझे बताया, वो है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ड्रग्स का स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं कि हमारी जो दवाइयां हैं वो सही बन रही हैं, अच्छे स्टैंडर्ड्स की हैं, जो हमने मापदंड रखे हैं उसके हिसाब से आ रही हैं। CDSCO इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री में आती है दोस्तों? ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ में आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है, तो ये गलत नहीं करना, क्योंकि आपको देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोविड ईयर पर्टिकुलरली बात करें तो ये कोविड ईयर में होने के कारण दवाइयां एक्सेट्रा आर वेरी मच इन न्यूज। मैं चाहूंगा अभी जो 25-30 टॉपिक डिस्कस करें उसमें आपको मैं चीजों के बारे में थोड़ा कॉन्टेक्चुलाइज भी करता रहूं, ताकि अकॉर्डिंगली हम जो बेहतर तरह से प्रिपेयर करें। CDSCO मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर है, एंड जो हमारा NPPA होता है ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जो फार्मास्यूटिकल, जो कि है हमारी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर। ये गलती नहीं करनी, ये सवाल UPSC आए दिन पूछता है, जहां पे भी दिक्कत हो गूगल करो। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर नेक्स्ट चीज है हमारे पास, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। दोस्तों अभी कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड वगैरह एक्सेट्रा अगर हम देखें तो ये बात कहां से आ गई, इसके बारे में आपको मैं रैपिडली समझाता हूं। तो दोस्तों यहां पर ना कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड की शुरुआत कहां से हुई? दोस्तों फाइनेंस कमीशन बनता है हमारे देश में हर 5 साल बाद, तो 12वां जब फाइनेंस कमीशन बना 2005-10 के लिए, उसने रिकमेंड किया कि अगर स्टेट्स को उधार चाहिए तो स्टेट्स को कुछ ऐसे क्रेडेंशियल्स बनाने होंगे कि जो उधार देने वाला है उसको थोड़ी चिंता कम हो। मतलब कि अगर स्टेट मान लीजिए गरीब हो जाती है या स्टेट के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो उधार लिया वो वापस कैसे करोगे? अगर वापस नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको उधार नहीं मिलना, किसी ने उधार देगा नहीं कोई आपको। तो इसलिए हमारे फाइनेंस कमीशन ने हमें कहा कि आप एक काम कीजिए कि कंसोलिडेटेड एक सिंकिंग फंड बनाइए, उस सिंकिंग फंड को RBI मैनेज करेगा, एंड RBI के पास आपने करना क्या है कि कुछ कुछ बस थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए, एंड एक सिंकिंग एक फंड बन जाएगा जिसमें से आप जो उधार लेंगे उसमें से अगर आप मान लीजिए नहीं पे कर पाए कुछ हो गया तो उसमें से पैसे कटते रहेंगे, लोन्स आपके किस्तें जो आपके इंस्टॉलमेंट्स वहां से पे होती रहेंगी, उधार देने वाले को थोड़ी अश्योरेंस हो जाएगी कि मेरे जो इंस्टॉलमेंट्स वापस आ जाएंगे, ठीक है? स्टेट्स के लिए एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बनाने की बात थी यहां पर, तो बनाया गया। लेकिन कोविड आ गया, स्टेट्स के पास अभी रिसोर्सेज ऑलरेडी बहुत कम है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में पैसा डालने के लिए, वहां पर बात भी नहीं है। तो इसीलिए स्टेट्स पर्टिकुलरली एक और चीज में भी जो टैक्स इकट्ठा करके सेस लगता है, वो सेस में पैसा डलता है, वो है बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस फंड। इट्स अ ह्यूज फंड, ह्यूमंगस फंड, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक जो लिखा हुआ है वर्कर्स के लिए ही पैसा जो उसमें यूज किया जाता है वो है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उन्हीं के वेलफेयर के लिए इस पैसे को यूज किया जा सकता है। लेकिन बात की गई यहां पर कोविड के दौरान कि इसको थोड़ा ओपन करते हैं, एंड जो भी कोई किसी भी तरह के वर्कर्स हैं उनको यहां से जो थोड़ी सी हेल्प पहुंचाते हैं अकॉर्डिंगली, इसको लेकर भी डिबेट थी, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या होता है कि अभी यहां बात करें, ये कब जो शुरू किया गया था, 1999-2000 में RBI ने सेटअप किया था, लेकिन 12वें फाइनेंस कमीशन ने कहा कि आप हर एक स्टेट को प्लीज कहिए कि आप ये फंड बनाएं ताकि उधार लेना आसान हो जाए, एंड अकॉर्डिंगली आप में जो इसमें जो पैसा वगैरह एटसेट्रा जो भी आ रहा है आप उसको, जैसे जो भी किसी ने उधार दिया हुआ स्टेट को उसको पूरा करने के लिए यहां पे यूज कर सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के पास है ये, एक्सेप्ट अ फ्यू स्टेट्स जो यहां लिखी हुई है, जैसे अभी देखें यूटी बन गया JNK, उनको जैसे ये कुछ 5-6 स्टेट छोड़ के सभी के पास ये एक कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे पास BOCWWCF, हमारे पास एक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेकर भी एक वेलफेयर सेस फंड रहता है, उसके बारे में बात करें सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक जो यहां पर जो आप ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि सिर्फ रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं जो कि जो अदरवाइज देखें हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं जो कि कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको यहां कोई हम खास फायदा नहीं पहुंचा पाते क्योंकि मुट्ठी भर लोग अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं एज वर्कर्स, उन्हीं को फायदा पहुंचता है। इसीलिए दिस फंड स्टेज हाईली अनयूटिलाइज्ड, इसीलिए कहा गया था जो डेली वेज अर्नर्स एटसेट्रा हैं अक्रॉस एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कि जिनका काम रुक गया कोविड में, उनको इससे थोड़ी हेल्प पहुंचाई जाए, एंड अकॉर्डिंगली यहां पर ये न्यूज़ में था। ओके, देन जो हमारे पास ड्राफ्ट नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है उसकी बात कर लेते हैं बस क्विकली। जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है किसने प्रपोज की है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, ठीक है, पावर है। एंड ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एटसेट्रा को जो थोड़ा अमेंड करेगा, एंड
इसमें जो जो प्राइमरी आइडिया क्या कि हमने जो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को जो हमने बढ़ावा देना है उस जो उसकी जनरेशन को वो पर्टिकुलरली, एंड यहाँ पर उसको बढ़ावा कैसे मिलेगा कि एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है कि हम जो जो भी अगर आप मान लीजिए कि सरकार अगर 100 गीगावाट मान लीजिए 100 अगर जो किलोवाट एनर्जी चाहती है खरीदना, उस 100 किलोवाट में मिनिमम रख दिया जाएगा कि इतनी कम से कम आपकी एनर्जी तो रिन्यूएबल से या हाइड्रो से आनी चाहिए, अदरवाइज तो आप सारी की सारी ही कोल से खरीदते रहेंगे तो वो बिजली बन भी जाए अगर रिन्यूएबल से उसको कोई खरीदार ही नहीं है, तो इसलिए मैंडेटरी कर रहे हैं कि आप उससे भी खरीदेंगे, ठीक है, चाहे वो महंगी हो चाहे वो सस्ती हो, ताकि थोड़ा प्रमोट किया जा सके। तो इसलिए जो ड्राफ्ट नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है एंड इसको लेकर यहां पर बात हो रही है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा की भी बात शुरू हो चुकी है कि उसको भी हम कर सकते हैं। ओके, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि अब अर्बनाइजेशन का क्राइसिस एक्सेट्रा, इस पे सवाल यूपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा कंटेंट लगा दिया आपके पास। तो एंड की बात कर रहे हैं कि शहरों में देखने को मिला कि पर्टिकुलरली कोविड का जो प्रकोप बहुत ज़्यादा था क्योंकि डेंसिटी एक्सेट्रा वगैरह जो भी थी, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पर जो माइग्रेंट्स को भी देखने को मिला कि बहुत सारे लोग घर वापस चले गए कि एकदम शहर बंद हो जाते हैं, तो ये सवाल मेंस वगैरह में ज़्यादा पूछे जाएंगे कि बहुत ही एक्सक्लूजनरी हो जाता है कि हमारा शहर एकदम से, जैसे अगर आपको कोई जान पहचान वाला नहीं है तो आप शहर में बहुत ही दिक्कत में आ सकते हैं जबकि गाँव में लोग इतना भूखे नहीं मरते। ओके, देन दोस्तों की जो जो अगर हम दुनिया के फार्मा की बात करें, भारत ने पर्टिकुलरली कहा दुनिया को हम बहुत सारे वैक्सीन बनाएंगे लेकिन वैक्सीन की कमी हमारे खुद के घर पर हो गई थी, तो इसीलिए अब जो वर्ल्ड फार्मा में भारत ने लेकिन इंक्रीजिंगली लंबी छलांगे लगाई हैं और उसके बारे में मैं आपको रैपिडली चाहता हूं यहां पे बात करना एंड इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करना। तो दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट्स क्या बोलते हैं कि कहने अगर हम 1969 की बात करें, भारत में जो दवाइयां मिल रही थी उसमें से केवल 5% थी जो भारतीय भारत में बनती थी, 95% बाहर से दवाइयां आ रही थी, लेकिन अब 2020 में देखते हैं उल्टा हो चुका है, 85% जो दवाइयां जो भारत में मिलती हैं वो भारत में ही बनती हैं, सिर्फ बाहर से बहुत ही कम 15% मंगवानी पड़ती है हमें, जो फाइनल जो हम मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट API, ठीक है, API मतलब जो बेसिक इंग्रेडिएंट जो इसको बेसिक सॉल्ट बोलते हैं दवाई का, वो तो अब हम अभी भी बाहर से मंगवाते हैं, पहले हम खुद बनाते थे अपने देश में लेकिन हमने ग्रेजुअली वो चाइना के पास चला गया, अभी हम इंक्रीजिंगली उसको वापस ला रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, देन दोस्तों ग्लोबल अगर हम जेनरिक मार्केट की बात करें, जेनरिक मतलब जो ऐसे आप होते हैं ना कि एक ब्रांड नेम के अंदर बिक रही है, एक जेनरिक है ना कि जिसका कोई पेटेंट वगैरह 20 साल खत्म हो चुके हैं, अब कोई भी उस दवाई को बना सकता है, तो उस जेनरिक अगर हम की बात करें 20% दुनिया की जेनरिक भारत में बन रही है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एंड देन उसके बाद कि भारत कॉन्ट्रीब्यूट करता है 40% जो US की ड्रग्स हैं, जो अमेरिका में जो ड्रग्स खाई जा रही हैं दोस्तों, जो दवाइयाँ ड्रग्स मतलब दवाइयाँ नॉट ड्रग्स, ठीक है, जो दवाइयाँ खाई जा रही हैं वो 40% भारतीय हैं। एंड देन उसके बाद दोस्तों इंडस्ट्री देखें भारत में बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है अभी, एंड एक्सपोर्ट्स उसमें से आधा जो एक्सपोर्ट्स भारत में, अगर $37 बिलियन की इंडस्ट्री है टोटल फार्मास्यूटिकल्स की, $18 बिलियन मतलब आधा एक्सपोर्ट होता है, विच इज़ अगेन अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर एक्सपोर्ट्स। देन जो USFDA अगर अप्रूव जो प्लांट्स हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही हैं, एंड जो कोविड क्राइसिस के कारण ये अपॉर्चुनिटी देखें तो भारतीय फार्मास्यूटिकल के लिए और बड़ी हो जाती है इंडस्ट्री और इससे ग्रो ही करेगी। ओके, बाकी थोड़ा मेंस का एनालिसिस है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ भी। देन एक चैंपियंस करके आपको पूछ सकते हैं कि चैंपियंस करके एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, क्या चीज़ है वो? दोस्तों चैंपियंस करके एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके ग्रीवांसेस रहते हैं कि मेरा कोई जो पास नहीं हुआ, एक कागज मैंने जो लगाया था ब्यूरोक्रेसी में अटका पड़ा एक्सेट्रा, तो उसको लेके क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है, जो भी बढ़िया बात है। तो चैंपियंस जो प्लेटफॉर्म है वो MSMEs के लिए है एंड वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन है MSME मिनिस्ट्री का, कि आपको कोई भी अगर आपको जो बहुत सारी तरह की आपको जो स्कीम्स के बारे में जानना है, अप्लाई करना है एक्सेट्रा, MSME मिनिस्ट्री द्वारा जो चलाई जाती हैं, आप चैंपियंस पोर्टल पर आएँ, वहाँ आकर आप कर सकते हैं, गेटिंग इट। तो इसको एक और यहाँ बात जो जानने वाली है वो है ये हब एंड स्पोक मॉडल यूज़ करता है। हब एंड स्पोक मतलब सेंटर में एक चीज़ है, उसके बाद जो वो बहुत सारी चीज़ों, जैसे हमारे साइकिल का जो व्हील नहीं होता, साइकिल का जो आगे वाला पहिया रहता है कि उसके सेंटर में एक चीज जुड़ी होती है तारों से बहुत सारी चीजों के साथ, हब एंड स्पोक कहते हैं उसको, कि हमारे सेंटर में हमारे जो सिचुएटेड होगा न्यू दिल्ली में जो MSME मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी का ऑफिस, वो बाकी स्टेट्स में एंड वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस जो MSMEs के लिए काम करते हैं उनसे जुड़ा रहेगा एंड अकॉर्डिंगली वो सभी को आगे गाइड करता रहेगा कि ऐसे कोई हमारे कोई ग्रीवांस आ रहा है, कोई नई तरह की जो किसी को कोई रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप एक्शन लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए जो चैंपियंस करके पोर्टल है किसके लिए है दोस्तों, वो MSME मिनिस्ट्री द्वारा है, ताकि वन स्टॉप शॉप जो स्टॉप सॉल्यूशन बन जाए
ऑल राइट ओके, तो बड़ा मुश्किल शब्द बन गया मेरे लिए. ओके देन दोस्तों, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. कंट्री ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमने अगर कहीं से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की हमने पहले बात की हुई है, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन का पता होना जरूरी रहता है कि हमें पता रहे पर्टिकुलरली कि कौन सी चीज़ कितनी हमारे देश में बनी है, कितनी किसी और देश में बनी है, अकॉर्डिंगली हम, ताकि अगर मान लीजिए इंडिया ने किसी और कंट्री के साथ अगर कोई फ्री ट्रेड का अग्रीमेंट किया है, हमें पता रहे जो वहीं से ही बन के सामान आ रहा है वो कहीं से रीरूट होके नहीं आ रहा, किसी और कंट्री का ना हो, हमें पता हो कंट्री ऑफ ऑरिजिन क्या है. ओके, कंट्री ऑफ ऑरिजिन इसलिए न्यूज में क्यों था, क्योंकि भारत सरकार पर्टिकुलरली जो देख रहे थे हम चाइना से, हमारे जो दो दो हाथ भी हुए गालवान वैली एक्सेट्रा में, तो भारत सरकार चाइना के खिलाफ काफी सारे तरह से जो प्रोसेस चाहती थी बनाना, तो उसी में ही हमने जीईएम को भी इन्वॉल्व किया. जीईएम दोस्तों क्या होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैसे क्विकली देख रहे थे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सरकार अपनी मिनिस्ट्रीज, अपने डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा ऑफिसेस के लिए बहुत कुछ ऑर्डर करती है, बहुत कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए लेकिन जगह जगह अलग अलग टेंडर इशू किए जाते हैं. तो सरकार ने क्या किया, एक अमेजोन ही बना दिया अपना, एक बड़ा सा खुद का एक मार्केट प्लेस बना दिया, जहां पर हम सरकार अपना लगा देती है कि हमें इतने इतने जूते प्रोक्योर करने हैं, इतने हमें शर्ट्स प्रोक्योर करनी है एक्सेट्रा, कौन कौन चाहता है सप्लाई करना, कितने दाम पर करोगे, ईजी कर दिया बहुत ज्यादा. आप वहां पर जाकर ऑथराइज हो सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट सेलिंग. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप खुद को वहाँ रजिस्टर भी कर सकते हैं कि सर हम ये सप्लाई करते हैं किसी मिनिस्ट्री किसी डिपार्टमेंट को चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आपका प्राइस कोड एक्सेट्रा क्वालिटी वगैरह देखकर आपसे बाय भी कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसी चीज़ बनी, सरकारी प्रोक्योरमेंट सब जीईएम के थ्रू ही होती हैं. तो सरकार ने कहा कि हम जीईएम से बहुत सारा सामान खरीदते हैं एंड बहुत सारे हम बहुत सारे वेंडर्स सप्लायर्स को सपोर्ट करते हैं, तो लेकिन इसमें बहुत से चाइनीज़ भी हैं या फिर चाइनीज़ सामान को यूज़ कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारे देश का ही सामान यूज़ हो हमारे ऑफिसेज में, तो सरकार ने वहाँ पर कंट्री ऑफ ऑरिजिन की बात लगा दी जीईएम पोर्टल पर. एंड इसके बाद बात शुरू हो गई थी कि इवन कि जैसे हमारे जो बाकी जो पोर्टल्स हैं, जैसे चाहे वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, वहां पर भी लिखा जाए कि अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट में इतना इतना सामान इंडियन है एंड बाकी इतना इतना बाहर से आया हुआ है या किसी और कंट्री से आया हुआ है. तो अभी लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जीईएम पर यह इंप्लीमेंट हो चुका है कंट्री ऑफ ऑरिजिन वाला, इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी था. ओके, देन ये आपको जैसे ना हिस्ट्री में ऐसे सवाल पूछते हैं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन की हम सिर्फ अपने ही देश का सामान यूज़ करेंगे, और अपना ऐसे बहुत बार हो चुका है. मेजाई रेस्टोरेशन हुई थी जो जापान में 1850-60 में, तब भी किया गया था. ये यूपीएससी सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री में मेन से पूछ चुका है. जो यूएस में आफ्टर 1945 जो जंग खत्म हुई 50s में, न्यू डील की अब कैसे नया हम एक दुनिया बनाए, एंड देन माओ ज़ेडोंग ने जो चाइना को रिफॉर्म चलाए पर्टिकुलरली, एंड जो जो इसराइल में 1990s में स्टार्टअप रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पर भी ये बात की गई थी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ही हम प्राथमिकता देंगे एंड अकॉर्डिंगली हम जो इसको मार्केट ग्रो करवाएंगे. ओके, देन दोस्तों यहाँ पर जो एनक्लैट हमारे देश में, आपको बताया कि जो कंपनी लॉ का जो ट्रिब्यूनल रहता है कि अगर कंपनी लॉ से जुड़े हुए आपको कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं. एक पूरा एक सेपरेट एक ट्रिब्यूनल है, एनसीएलटी कहते हैं उसको, लेकिन आपको उस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से आपको कुछ दिक्कत है तो आप जाके उसके जो एक उसके खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं. एपेलेट ट्रिब्यूनल रहता है, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल. तो एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कुछ बात की, उसमें से कुछ कुछ टर्म्स हैं आपके लिए मैं आपके यहां पेश कर रहा हूं. ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा. पहला है वाटरफॉल मैकेनिज्म. वाटरफॉल मैकेनिज्म दोस्तों क्या होता है, वो कह रहे हैं कि ना अगर आपने कंपनी बंद कर दी अपनी, कंपनी बंद करने के बाद आपने अगर वहां बात करें कि सबसे पहले आपने जो आपने बहुत सारे लोगों का पैसा बकाया है वापस भी तो करना है ना आपने, इट्स ड्यू ऑन यू, है ना, तो आपने पैसा वापस भी तो करना है. तो वापस कैसे करेंगे, किस ऑर्डर में करेंगे, सबसे पहले किसको पैसा देंगे, उसको कहा जाता है वाटरफॉल मैकेनिज्म, कि सबसे पहले मैं इसको पे करूंगा, इसको इसको इसको, एंड देन इसी का ही एक ऑर्डर भी डिसाइड किया सरकार ने, सबसे पहले आप इनको पे करेंगे देन किसी और को. ठीक है, टॉप प्रायोरिटी दी गई है जो सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. ठीक है, कि आपने जो सबसे पहले अगर आपने जो सिक्योर्ड आपके फाइनेंशियल, जिसने किसी ने उधार दिया था कुछ किस बदले किसी के गिरवी रख के, कि सिक्योर्ड होता है ना कि अच्छा कंपनी बिकेगी तो आपको मैं पहले पैसा दूंगा. सिक्योर्ड का मतलब होता है कि कम से कम इसके पीछे एसेट लगा हुआ है मेरा कोई, या मेरे मैं अपनी जो बिल्डिंग को आपको गिरवी रख रहा हूँ, या मैं अपनी मशीन को गिरवी रख रहा हूँ, जो कुछ ना कुछ मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ. ठीक है, सबसे पहले कहेंगे, इसलिए वर्ड में ही लिखा हुआ है सबसे पहले आप सिक्योर्ड वालों को ही देंगे, उसके बाद अनसिक्योर्ड को पैसा मिलेगा जो अगर बचेगा तो. ओके, देन
उसमें अगर देखें तो जो कॉस्ट, अगर हम यहाँ बात करें तो कि किसको और यहाँ प्राथमिकता दी गई है कि कॉस्ट लिक्विडेशन प्रोसेस वगैरह की जो कॉस्ट देनी होगी उनको, जैसे मान लीजिए कोई आपके कोई वकील एक्सेट्रा हैं उनको सबसे पहले पे करेंगे? आप बोलेंगे ना सबको पे कर दिया, वकील कहेगा सर मेरे पैसे कहेंगे बचे नहीं सर, तो नहीं, उनको पे करेंगे एंड देन उसके बाद जो आपके वहाँ पे जो जो लोग काम करते थे वर्कमैन थे एंड देन कॉरपोरेट डेटर, अगर आपने जो आपने किसी और कंपनी से माल उठाया हुआ है कुछ सामान उठाया हुआ है देन उसको नेक्स्ट उनको पे करेंगे। पूरा एक ऑर्डर बताया, ये इंपॉर्टेंट है। वॉटरफॉल मैकेनिज्म क्या होता है, सवाल सिंपल बेसिक ये भी पूछा जा सकता है, ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो वर्कमैन के जो ड्यूज क्या क्या हैं वो भी बात की गई है। अकॉर्डिंगली पे करने के बाद आप अगला अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास जाएंगे, ठीक है, गेटिंग इट, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। जो आपने किसी को, जैसे क्विकली मैं रिवाइज कर रहा हूं, सिक्योर्ड को प्राथमिकता दी गई ओवर अनसिक्योर्ड, देन उसके बाद टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसको दी गई है, जो आपके जो कॉस्ट रिलेटेड है लिक्विडेशन प्रोसेस के, जो आपके पूरा लिक्विडेशन कंपनी को जो वाइंडिंग अप करने में आपकी मदद कर रहे हैं, उसके कुछ पैसा निकलवाने में मदद कर रहे हैं, उसको पैसा देंगे आप, उसके बाद देंगे आप वर्कमैन को, उसके बाद जो आपने किसी से उधार लिया हुआ है, ठीक है, जो डेटर्स हैं एंड देन जो उनको आप उधार देंगे, जैसे भी आपने उधार वापस लेना है देना है आप उसको सेटल करेंगे, ठीक है, क्रेडिटर्स डेटर्स को आप उसको सेटल करेंगे एंड देन आप उसके बाद जाएंगे अनसिक्योर्ड के पास। तो इसीलिए जो एनसीएलएटी की बात करें, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वो उसका गठन भी कंपनीज एक्ट 2013 में के थ्रू ही किया गया था, भारत जो सरकार ने किया था 2013 में। एंड देन इसमें इंपॉर्टेंट कुछ बातें रहती हैं, जो ट्रिब्यूनल है ये जो एनसीएलटी के खिलाफ तो सुनेगा ही सुनेगा, एनसीएलटी का ही अपेलेट है ना, अपील उसी की, एनसीएलटी ने कुछ बात कही मुझे उसके खिलाफ अपील करनी है उसके बारे में तो सुनेगा सुनेगा, लेकिन यहां पर बात की गई कि हमारा जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आया उसने भी अगर कोई बात करी है उसके खिलाफ भी अपील करनी है, सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा जाने से पहले आप एक बार एनसीएलएटी पक्का जाएं, ठीक है। एंड देन एक और बात की गई कि हमारे देश में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत सारे तरह के जो जो रूलिंग्स पास करता है इसके भी अगर खिलाफ, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जिनके खिलाफ अगर आपने अपील करनी है एनसीएलएटी में जाते हैं, ये प्री ओरिएंटेड एक बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है, ओके, ठीक है। एनसीएलटी का गठन कब किया गया एटसेट्रा ये भी आप देख सकते हैं, ओके। देन सोलर पावर चाइना से हम अगर हम बात करें कि भारत ने अभी रिसेंटली ह्यूमंगस एक सोलर पावर प्लांट लगाया था एंड कहां लगाया गया था, एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है रेवा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसी बातें जो यूपीएससी को तो बहुत ही पसंद रहती हैं। एंड अगर हम भारत की बात करें तो 40 जो गीगावाट के आसपास हमने अपना टोटल अभी जो सोलर जो जो से बिजली बना रहे हैं, 100 गीगावाट का आइडिया था 2022 तक नहीं अचीव हो पाया, ठीक है। एंड देन उसके बाद चलो ट्राई तो अच्छा था लेकिन अगेन काफ़ी शॉर्टफॉल है, 60% का शॉर्टफॉल है उसके बाद। लेकिन अगर हम बात करें भारत ने जो पर्टिकुलरली जो सेफ गार्ड ड्यूटीज़ लगा देते हैं ना, सेफ गार्ड ड्यूटीज़ आपका होमवर्क है यहाँ पर, वॉट आर सेफ गार्ड ड्यूटीज़, ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, ठीक है। तो ये हमें ड्यूटीज जो टाइप की रहती हैं जिनको हम बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज, तो इनके बारे में प्लीज क्विक गूगल, हमने अपने यूट्यूब पर अनगिनत बार डिस्कस किया हुआ है, अपने हमको जो बैचेस में डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। देन इससे हुआ क्या कि हमारे देश में बहुत सारे जो सोलर पैनल्स बनकर आ रहे थे चाइना से वियतनाम एक्सेट्रा से वो रुक गए एंड उसके कारण हमारे देश में अकॉर्डिंगली सोलर की जो ग्रोथ भी थोड़ा रुक गई थी, ओके। एंड देन उसके बाद देखें तो जो चाइना जो 2018 से पहले देखें तो चाइना ने हमारे देश में 75% जो पैनल्स हमारे देश में सप्लाई किए हैं टोटल जो हमने देखे 2018 से पहले तक, एंड इट्स अ ह्यूज नंबर। उसके बाद लेकिन जैसे जैसे हमने वहां पे जो ड्यूटीज लगा दी हमारे, क्योंकि बहुत सस्ता सामान उनसे आ रहा था बनके, डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो रही थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत घाटा खाना पड़ रहा था, तो इसलिए हमने ड्यूटी लगा ली। लेकिन वो अब गैप सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम फिल करते जा रहे हैं एंड इसीलिए लग रहा है कि सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने से हमारी जो जो कैपेसिटी एडिशन थी सोलर के बढ़ने की स्पीड थी रुक गई, स्लो गई। एंड मेड इन इंडिया सोलर के बारे में यहां बात कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एंड कि क्या हमारे कुछ फायदे कुछ नुकसान थोड़ा मेंस एक्सेट्रा के लिए, ओके। देन जो हमारे देश में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि डिफरेंशियल डेटा स्पीड आप नहीं दे सकते, कौन सी? लेकिन सर आप कहेंगे सर मैंने घर में ब्रॉडबैंड लगाया है उसकी 50 Mbps स्पीड है, मेरे बगल वाले अंकल के घर में 100 Mbps आती है, उनके बगल वाले में 200 Mbps, सर डिफरेंशियल स्पीड तो आती है, ब्रॉडबैंड में दी जा सकती है, मोबाइल फोन में आप डिफरेंशियल स्पीड नहीं देंगे, ट्राई ने यही कहा। ट्राई ने बस यही बात जानने वाली यहां बहुत जरूरी है प्री के पर्सपेक्टिव से कि ट्राई ने कहा कि जो टेलीकॉम सेक्टर में अगर हम देखें जो हमारे जो मोबाइल सर्विसेज हैं दे यूज स्पेक्ट्रम एंड विच इज अ शेयर्ड रिसोर्स, सभी को स्पेक्ट्रम बराबर का हक है इसलिए कोई स्पीड कम ज्यादा नहीं करेगा, ब्रॉडबैंड
में कर सकते हैं जो कि वायर्ड टेलीफोनी कहा जाता है उसमें किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसी के कारण जो पर्टिकुलरली जो वेरिएबल डेटा हम वायर्ड टेलीफोनी में नहीं देंगे, ट्राई ने हमें ये रूलिंग दी, एंड किस में हम जो वायर्ड टेलीफोनी में दे सकते हैं लेकिन हम स्पेक्ट्रम वाले मतलब जो हम मोबाइल फोन वगैरह में जो देखते हैं डेटा उसमें वेरिएबल स्पीड नहीं हो सकती। ओके, देन दोस्तों IEX प्री टाइप एकदम चीज निकल कर आई हमारे देश में, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड एक नामक एक चीज शुरू हुई। इसमें हम करेंगे क्या, भारतीय जैसे जो भारत सरकार का जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसी ने इसको लॉन्च किया एंड इसका GTAM भी लॉन्च किया, मैं आगे बताऊंगा आपको ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। इसमें देखो प्राइमरीली करना क्या हमने कि एक पर्टिकुलरली जैसे हमारा देश का जो NSE BSE होता है उसी की तरह ही अगर हम बात करें उसी की तरह ही हमने एक एनर्जी एक्सचेंज बनाया, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज बनाया एंड इसमें हम एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे स्टेट में बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो मैं चाहता हूं उसको ट्रेड करना किसी और किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ जहां पे इतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही। मान लीजिए अभी जो हमारे कुछ ऐसे एक्ट्स भी हैं, ऐसे हमारे पास पर्टिकुलरली कुछ जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस भी हैं जो हमें मैंडेटरी कर देते हैं कि हमें अगर हमें 100 अगर हमें जो यूनिट ऑफ एनर्जी चाहिए उसमें से 20 यूनिट एनर्जी रिन्यूएबल की आएगी, लेकिन मैं लूं कहां से, मुझे मिल नहीं रही, ठीक है। तो इसने एक्सचेंज बनाया ताकि ऐसा जो ईजी हो जाए, परचेज ऑब्लिगेशंस पूरी हो जाए एंड अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकें एंड अगर मुझे लग रहा है नहीं अगर वो सस्ता दे रहा है तो पर्टिकुलरली मैं उनसे मूव कर जाऊंगा, आपका प्रोडक्ट मैं छोड़ रहा हूं। जैसे शेयर मार्केट में करते हैं दोस्तों कि अगर अच्छा ये वाला मुझे शेयर लग रहा है बढ़िया नहीं दे रहा है, पैसा निकाल रहा हूं, किसी और शेयर में पैसा लगा दिया मैंने। सिमिलरली यहां पर एक एक्सचेंज बनाया गया है एंड देन उसको भारत ने किसने पर्टिकुलरली CERC उसको चलाने में मदद करेगा यहां पर एंड देन जो ये सभी मैंने आपको वही बात समझाने की कोशिश करी कि क्या कंसर्न्स एक्सेट्रा एंड तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स बहुत ज़्यादा तरह की हैं, ठीक है, जो आपके डेली कॉन्ट्रैक्ट्स वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ऐसे आपके बहुत मल्टीपल तरह के भी हैं, जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जो पर्टिकुलरली जो आपके रीपरचेज ऑब्लिगेशंस पूरा करने के लिए कि जो आपने कहा था ना ऐसे कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस रहती हैं कि आप बहुत सारे ना ऐसी कंपनीज हैं ऐसे ऐसे इवन पावर प्लांट्स हैं ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं उनको कहा गया कि अगर आप 100 वॉट मान लीजिए बिजली जो पैदा कर रहे हैं तो उसमें से 80 अगर आप कोयले से पैदा कर रहे हैं तो 20 आपको जो किससे किसी रिन्यूएबल से पूरी करनी पड़ेगी। तो NTPC एक्सेट्रा वाले जो हैं बहुत सारे हमारे देश में जो थर्मल पावर बनाते हैं कोयले से वो साथ साथ में फिर सोलर पैनल विंड ये वो एक्सेट्रा भी लगाते चलते हैं एंड अकॉर्डिंगली क्योंकि सरकार ने इसे मैंडेटरी किया अगर आप इतनी यूनिट अगर बिजली बनाएंगे कोयले से इतनी आपको इससे भी बनानी पड़ेगी, इनको भी मदद मिलेगी जो अकॉर्डिंगली अपनी मार्केट ग्रो करने में एंड अकॉर्डिंगली जो बायर्स एंड सेलर्स को मिलाने में। ओके, देन अभी नेचुरल गैस की हम बात करें, नेचुरल गैस प्राइसिंग पे बिडिंग का प्लेटफॉर्म बना दिया गया है एंड देन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। दोस्तों थोड़ा सा पॉलिटिकल का सवाल है लेकिन प्लीज़ क्विक गूगल कीजिएगा व्हाट इज CCEA, कौन कौन बैठता है, कौन इसको लीड करता है, जो कैबिनेट कमेटीज रहती हैं थोड़ी सी उनके बारे में आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन है, मिस नहीं करना हमने। ओके, नेचुरल गैस के अगर हम बात करें पर्टिकुलरली उसकी प्राइसिंग कैसे होती है भारत में अभी, तो दोस्तों भारत में अभी जो प्राइसिंग का जो फॉर्मूला है वो वेटेड एवरेज फॉर्मूला है। 4 दुनिया में इंपॉर्टेंट हब्स हैं जहां पर नेचुरल गैस वैसे ट्रेड की जाती है, एक है US बेस्ड हेनरी हब, एक है कनाडा में जहां पर ट्रेडिंग होती है अल्बर्टा एंड UK में एक है नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट एंड एक रशिया की गैस का प्राइस। इनको वेरियस जो वेट्स अटैच किए गए हैं उसके हिसाब से जो भी एक दाम निकल कर आता है हम बोलते हैं कि हम इसके हिसाब से ही गैस का दाम बेचेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पर ट्रेडिंग हो रही है एंड इसी ये मार्केट की कुछ आपको जो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स वगैरह का कैप्चर करने में ये सक्षम है। तो अकॉर्डिंगली हम चाह रहे हैं कि अभी एक जो फॉर्मूला के हिसाब से ना चल के हम अपने देश में देखें कि कितना डिमांड आ रही है कितनी नहीं आ रही है एक्सेट्रा, कौन कितने में सप्लाई कर सकता है, हम अपने देश की हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना चाहते हैं एंड देन देश की प्रोडक्शन अगर इंक्रीज नहीं हो पा रही वो बोलेंगे सर इसका जो मान लीजिए दाम निकल कर आता है $5 निकल कर आता है लेकिन जो हम देश में प्रोड्यूस करते हैं मान लीजिए उसमें कुछ प्रॉफिट्स एक्सेट्रा मिलाएं तो वो $6 की पड़ेगी, सर वो तो 6 वाली तो कोई खरीदेगा ही नहीं क्योंकि इंटरनेशनली तो 5 की अवेलेबल है क्या करें। तो इसलिए गैस का मैकेनिज्म बनाया जा रहा है ताकि हम थोड़ा इसको डिमांड सप्लाई एक्सेट्रा को थोड़ा मिक्स मैच करके देख पाएं कि हम अपने देश की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी थोड़ा हम बेहतर तरह से कैप्चर कर पाएं, उसको इंकरेज कर पाएं। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो जो एक जैसे बढ़िया रिसोर्स है मेजरली मीथेन ही इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है तो ये बात हमें मिस नहीं करनी एंड नॉन रिन्यूएबल ऑफ कोर्स है ना कि एक बार जल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे वो भी है, इट्स क्लीन बट इट्स क्लीन बहुत ज़्यादा ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करता एज सच, इसीलिए जो इसको नेचुरल गैस को हम चाहते भी हैं कि हम अगर कहीं पर ऐसी कोई चीज़ है जहां पर अभी रिन्यूएबल एक्सेट्रा यूज़ नहीं किया जा सकता फ्यूल के जैसे नेचुरल गैस को ही यूज़ किया जाए। ऑलराइट, तो नेचुरल गैस का कॉम्पोजिशन भी मैंने आपके लिए यहां लगा दिया, मेजरली इट्स मीथेन
लेकिन कुछ कुछ इथेन एंड प्रोपेन भी रहता है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बाकी ट्रेसेस वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं। ओके देन दोस्तों, इंडिया का एक एनर्जी जो मॉडलिंग का एक फोरम है उसके बारे में क्विक नजर डाल। तो दोस्तों जैसे अभी हमारे देश में जैसे नई नई तरह की, दुनिया भर में नई नई तरह के इश्यूज आ रहे हैं एनर्जी को लेकर, एंड पर्टिकुलरली बात करें रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पता नहीं क्या क्या, तो उसको लेकर हमें नए नए तरह के प्लेटफॉर्म चाहिए जहां डिस्कशन करें, नीति आयोग एक्सेट्रा वगैरह मिलकर चाहते हैं बात करना इंटरनेशनल लेवल पर। तो उसी को लेकर हमने एक पूरा एक फोरम बना दिया जहां बैठकर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन किससे, नीति आयोग और यूएस एड की मदद द्वारा, इंडो जो यूएस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है उसी के तहत हमने इसको बना दिया, ठीक है। तो इससे इंटरनेशनल फोरम बहुत ज्यादा घबराने डरने की बात नहीं है, बस हमें पूछा जाए एनर्जी फोरम क्या है तो हमें पता होना चाहिए बस। ओके, GTAM मैंने आपको बताया था, जो हमने एनर्जी एक्सचेंज बनाया, उसी एक्सचेंज के तहत हम ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करना चाहते हैं कि अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्टेट ज्यादा अगर प्रोड्यूस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी तो उसको एक ऐसा एक्सचेंज का मैकेनिज्म मिल गया जहां पर वो नए नए बायर्स भी ढूंढ सकती है अकॉर्डिंगली। हमारा जो 175 गीगावाट्स का जो RE का टारगेट है, RPOs का टारगेट है एटसेट्रा, वो पूरा किया जा सकता है। मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहां पे मैंने लगा दिया, आपको ब्रॉडर आइडिया समझा दिया, शायद आप इसको क्रैक कर पाए। ओके, नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है, हु इज प्लानिंग इट, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट रहती है ऐसी चीजें, साइडीज ही होती हैं, सडनली पूछ रहे थे हमें पता नहीं चलता। लॉजिस्टिक्स इंपॉर्टेंट चीज भी है, भारत ने जैसे जो वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उस पर भी रैंक थोड़ा पीछे ही रहता है, गिरता रहता है, 44 से 46 चला गया था, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक निकालता है हमारा LPI लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, गलत नहीं करना, यूपीएससी वैसे पूछ चुका है, शायद दोबारा ना पूछे। ओके देन हमने कहा कि हमारा जो पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम रहता है पर्टिकुलरली, हम उसको चाहते हैं थोड़ा सा स्केल अप करना और हम चाहते हैं कि लॉजिस्टिक्स में जगह जगह यूज़ किया जाए। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन की बात करें पर्टिकुलरली, ये जो हमारे शिपिंग मिनिस्ट्री के अंदर ही चलाया जाता है, एक एक जो इसकी टॉप मोस्ट बॉडी रहती है जो इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन। एंड हमारे देश में ये जो नए नए तरह के अब चाहते हैं आइडियाज डेवलप करना कि अगर हमारा लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम होती है तो चीज़ों की कॉस्ट पर डायरेक्ट इंपैक्ट दिखता है, चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा उसको ही प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए यहां पर हमने शुरुआत की है। अब इंपॉर्टेंट चीज, भारत ने पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना दिया, MMLP। MMLP कह रहे थे दोस्तों, भारत सरकार ने अनाउंस किया था कुछ वक्त पहले कि हमारे देश में हम चाहते हैं कि कम से कम 100 एकड़ के आसपास एरिया हो एंड मल्टीपल तरह से वहां पर फ्रेट हैंडलिंग की फैसिलिटीज हो। फॉर एग्जांपल वहां पे ऐसे वेयर हाउसेज भी हो, वहां पे जो बल्क कार्गो भी आ सकता हो, एंड कि हो सकता है कि जो नदी के रास्ते भी कुछ सामान आ रहा हो जा रहा हो, एंड वहां पे ट्रेन भी वहां अपना सामान पहुंचा सकती हो। एक बल्क लेवल पर ज्यादा सारा हम जिस पर कार्गो हैंडल कर पाए, लॉजिस्टिक्स हैंडल कर पाए, मल्टी मॉडल है ना। तो बात यहां ध्यान देने वाली है, MODAL, जिसमें हम वेरियस मोड्स से सामान ला सकें एंड आगे ट्रांसफर कर सकें, ऐसा हम चाहते हैं पार्क्स बनाना। भारत सरकार ने कहा है कि वो 35 ऐसे पार्क चाहती है बनाना, एंड उसका सबसे पहला जो हमारा ये कौन सा है, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इन्हांसमेंट प्रोग्राम लीप, उसके तहत ये हमारा पहला शुरू हो चुका है असम में। असम में जगह का नाम क्या है, जोगी घोपा। ओके बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जोगी गोपा में बनाया जा चुका है एंड जो ब्रह्मपुत्र के अलोंग ये जगह लाई करती है, गलती नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में सवाल पूछेंगे, यू विल गेट इट राइट। ओके देन भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भी सड़कें बनाने की बात भी हुई है हमारे देश में, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स भी चल रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल हाईवेज हमने देश में बनाने हैं बहुत सारे, ओके इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने हैं, एंड चाहे ये आपको ना भारतमाला पूछेंगे नहीं, पुराना हो गया, लेकिन स्टिल अपने थोड़ा देख लो, UPSC भूली बिसरी चीज़ें निकालना था 4-5 साल पुरानी भी, ठीक है। एंड देन कॉरिडोर रोड्स हैं इंटरनल 6000 किलोमीटर की एफिशिएंसी नेशनल कॉरिडोर्स की, एंड बॉर्डर रोड पे कनेक्टिविटी भी है, आपको पूछ सकते हैं भारतमाला में बॉर्डर रोड है, जी सर बॉर्डर रोड्स भी हैं, एक्सप्रेसवेज भी हैं, ठीक है। एंड जो उसके बाद जो जहां पे रोड्स खत्म हो जाती हैं आगे आगे और छोटे छोटे जो डाइवर्जन जो रोड्स निकलती हैं गांव तक कनेक्ट करती हैं उसकी कनेक्टिविटी की बात भी है। ओके देन PLI, आपको पता है जैसे हम इस पर अनगिनत वीडियोज बना चुके हैं अभी तक, आप अगर शायद इसको क्लैरिटी में रख चुके हों, ठीक है। तो भारत सरकार ने कहा था कि हम ऐसी चाहते हैं पॉलिसी बनाना जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात करें, ठीक है। आप ना प्लीज गूगल कीजिए क्विक PLI स्लीपी क्लासेस, डिटेल्ड वीडियो है कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है, होमवर्क की तरह से बना लीजिए। अभी यहां कहानी सुनते हैं, जो PLI में सरकार चाह रही है कि हमने बहुत सारी चीजें हम जो बाहर से मंगवाते हैं हम अपने घर में बनाएं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स,
ठीक है, इंक्लूडिंग एपीआई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एपीआई, दो ऐसी चीजें जैसे गोल्ड हम घर पे बना नहीं सकते, वरना भारत सरकार उसके लिए भी कुछ बना देती, हमने भारत सरकार ने बना दिया वैसे गोल्ड बॉन्ड वगैरह, ठीक है वो बात नहीं कर रहे हम, लेकिन मैन्युफैक्चर की बात करें तो पीएलआई में हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हम अपने घर पर करें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं। उसके सरकार क्या बोल रही है कि ऐसा नहीं बोल रही कि आप प्लांट लगाइए, हम आपको कुछ जो अच्छी सड़क, अच्छा पानी, अच्छी बिजली देंगे, नहीं ऐसा नहीं। सरकार कह रही है कि हम अच्छा तो दे ही रहे हैं, आप जब सामान बेचेंगे उस सामान बेचने का हम आपको कुछ एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए आपने 1000 करोड़ का सामान बेचा तो 4% या 5% या 6% जो भी अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, उतना हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। आप सामान बेचिए, सामान नहीं बिका कुछ नहीं मिलेगा, गेटिंग इट। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं यहां पर, किसी में प्रोडक्शन लिंक्ड है, किसी में सेल्स से भी लिंक किया गया है। आइडिया समझना है हमें, ठीक है, कि हमने कि हम बाहर से चीजें मंगवाते हैं उसको हम चाहते हैं घर पर मैन्युफैक्चर करना, जी सर। उसके बाद क्या इनिशियल है? नहीं सर, ये आफ्टरवर्ड्स है कि जब चीजें बन जाएंगी, जब चीजें, ऐसा नहीं है ना कि हमने पहले हम दे देते हैं कि अच्छी सड़कें देंगे, अच्छी बिजली, अच्छा पानी, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई फैक्ट्री लगाने ही नहीं आता या फैक्ट्री लगा के खाली पड़ी है, कुछ बन ही नहीं रहा, तो हम चाहते हैं सामान भी बने, गेटिंग इट। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है यहां पर। एंड कौन से सेक्टर्स को हम चाहते हैं? और सनराइज सेक्टर्स को प्रमोट करना। सनराइज सेक्टर दोस्तों कौन से होते हैं? जनरली जिनका अभी सूर्य उदय हो रहा है। एंड जैसे हमारे देश में सनराइज सेक्टर कौन से? हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन की बात करते हैं, है ना, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री, एंड देन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, स्पेस टूरिज्म, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडियाज बनते जा रहे हैं। स्लीपी क्लासेस भी देखें तो ग्रेजुअली ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिक होता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी वेबसाइट पर मिल जाती हैं, हमें खुद ही नहीं पता कि हमने कब बनाई थी लेकिन पढ़ी होती हैं, इसलिए अनंत तरह से आप देखें तो एक तरह से तो कई बार ऐसा लगता है कि 100 के 100 सवाल अगर स्लीपी क्लासेस से आ भी जाएं तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन किस प्लान से हमने कवर किए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, देन पीएलआई स्कीम में और आगे नई नई तरह की जो चीज़ें ऐड कर दी। शुरुआत तो उसकी स्टैंडर्ड हुई थी कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से बढ़ते हुए एपीआईज आ गए, नए सेक्टर्स ऐड होते जा रहे हैं। सरकार यहां पर जो वीजीएफ भी चाहती है ना, ठीक है, वायबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब मान लीजिए आपने कोई प्लांट लगाना था, उस प्लांट को लगाने की कीमत है 1000 करोड़। सर जो जिसने प्लांट लगाना है वो कह रहा है सर मेरे पास 850 करोड़ तक का तो मेरे पास कुछ सर सिस्टम है, जुगाड़ है, सर 150 करोड़ कहीं से मिल जाए मजा आ जाए। सरकार कह रही है कि अच्छा 150 करोड़ अगर आपको हम डाल दें पैसा तो आपकी ये क्या ये पूरा प्रोजेक्ट वायबल हो जाएगा? जी सर। तो सर ये जो गैप था मेरे पास जो वायबल होने का कि अगर मैं 150 करोड़ उधार ले लेता तो सर मेरा ना प्रोजेक्ट चलाना मुश्किल हो जाएगा, मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट ऐसी हो जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये 150 करोड़ रुपीज एक लिमिट तय की जाती है, इसके ऊपर सरकार नहीं जो डालेगी, उसके नीचे नीचे अगर आप चाहते हैं तो सरकार कॉन्ट्रीब्यूट कर देती है। तो सरकार वीजीएफ भी चाहती है सपोर्ट देना, तो इसमें होगा क्या, ये इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना, कि कुछ जो प्राइवेट पार्टी ने पैसा डाला, कुछ जो सरकार पैसा डालेगी, अकॉर्डिंगली इट बिकम्स अ वीजीएफ बिकम्स अ पीपीपी का मॉडल, ठीक है। तो सरकार ये भी चाह रही है इसके थ्रू भी जो प्रमोट करना कि हम आत्मनिर्भर भारत और बनाएं, ठीक है। तो वही जो लॉजिस्टिक्स वगैरह को भी इंप्रूव कर रही है, थोड़ा सा मिसप्लेस आ गया यहाँ पर। ओके, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, हमारे देश में डीएफसीज बनाने शुरू हो चुके हैं, डीएफसीज बनते जा रहे हैं। फ्रेट है ना, फ्रेट मतलब माल भाड़ा जो जाता है हमारे देश में, माल भाड़ा ही बोलते हैं, नॉट रियली श्योर। तो जैसे अगर आपने जो माल गाड़ियाँ चलती हैं हमारी बहुत सारी, माल गाड़ियों के लिए हम अलग ट्रैक चाहते हैं, डेडिकेटेड एक फ्रेट कॉरिडोर हो, कि ऐसा ना हो ना कि आपकी गाड़ी वहाँ पे सामने और सामने को माल गाड़ी आ रही है और दोनों अटके पड़े, नहीं ऐसा नहीं चाहते हम चाहते हैं मालगाड़ी अपना पूरा फुल स्पीड से चले और पैसेंजर गाड़ियां अलग ट्रैक पर चलें, ठीक है। तो इसलिए हमने फ्रेट के कॉरिडोर्स बनाने की बात करी हमारे देश के। हम चाहते हैं 4 कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स को हम जोड़ दें, बीच में जोड़ दें, क्रिस क्रॉसिंग कर दें, ठीक है। ऐसे हम फ्रेट कॉरिडोर्स की बात करते हैं एंड फ्रेट कॉरिडोर्स बनते जा रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली जो इसको बनाने की कॉर्पोरेशन कौन सी है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एंड देन ये जो हमारी जो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है, इंपॉर्टेंट है, ये हमारे देश का बहुत ही एक मेजर प्रोजेक्ट है। तो यहां पे जो फ्रेट कॉरिडोर्स के नाम लिखे गए हैं यहां पर आप उनको भी देख सकते हैं एक बार। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न जो डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वो कहां से कहां चलेगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई से दादरी उत्तर प्रदेश, ये यूपी से सवाल पूछ चुका है। ईस्टर्न का नहीं पूछा गया, एंड ईस्टर्न का देखें ईस्टर्न इज लॉन्गर, ठीक है, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें, ठीक है। ईस्टर्न लंबा है वेस्टर्न से, थोड़ा सा 300 किलोमीटर और एक्सटेंड होता है। ईस्टर्न चलेगा पंजाब से शुरू होगा, साहिनेवाल से दनखुनी इन वेस्ट बंगाल जाएगा, ठीक है सर। उसके सिवा भी सर कोई और हैं? जी हाँ,
ईस्टर्न एंड वेस्टर्न के सिवा आपके पास कुछ जो पर्टिकुलर ट्रैक्स हैं वो हैं नीचे यहाँ लिखा हुआ है, ईस्ट कोस्ट में पर्टिकुलरली एंड ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर्स एक्सेट्रा भी हैं, ये चल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं, पर्टिकुलरली जो ये दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है एंड इट्स अ PSU, ठीक है, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है। 2006 में बनाई गई थी शायद ये, हाँ यस 2006 में बनाई गई थी। एंड देन उसके बाद ये SPV की जैसे काम करती है भारत सरकार की, पर्टिकुलरली इसको ऑपरेट करने वाली मिनिस्ट्री इज रेलवेज मिनिस्ट्री, ये गलती हमें नहीं करनी। ओके, देन दोस्तों अब जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा इससे मेन ओरिएंटेड टॉपिक, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं चाहता था मार्क करना, इसलिए मैंने यहाँ रख लिया टॉपिक के वाला। जो अब यहाँ पे भारत सरकार ने ऐसा कहा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उसने कहा कि ना हम ना अब जो वेरियस जैसे इनपुट्स यूज करते हैं सामान बनाने में, उनको हम कैटेगराइज करें Class 1 and Class 2। Class 1 Class 2 का मतलब क्या हुआ कि कौन सी चीज़ हमने, मैंने जैसे जैसे आपको बताया था जैसे रूल्स ऑफ ऑरिजन होते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ है जो हमारे लोकल सप्लायर्स बना रहे हैं, एंड मान लीजिए ये सामान बना हुआ है, इसमें से कितना परसेंट सामान हमारा इंटरनल लोकल सप्लायर्स ने लोकल सामान यूज़ करके बनाया। तो जो क्लास वन टाइप जो होते हैं, जो गुड्स या सर्विसेज रहती हैं ये, या फिर इसमें जो मेहनत लगती है, लेबर लगती है, हम उसमें बोलते हैं कि सर 50% कम से कम जो 50% तो सामान इसमें लोकल यूज़ हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड Class 1। एंड अगर 20 से लेके 50% होगा दैट इज कॉल्ड Class 2। गेटिंग इट? तो अब सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि हम इंक्रीजिंगली जो हम सामान यूज करें, जो गवर्नमेंट यूज करे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज करें, वो क्लास वन हो, कि ज्यादा से ज्यादा उसमें इंटरनल या फिर लोकल चीजों का या लोकल लेबर का ही जो यूज किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए सरकार अब क्लास वन को चाहती है प्रमोट करना, लेकिन उसके इश्यूज आगे थे वो मेंस ओरिएंटेड है कि दवाइयां बननी बंद हो गई एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कह रहे थे ग्रेजुअली करना चाहिए हमें, अभी सडन करने से जो प्रॉब्लम्स कॉज हो जाती हैं। ओके, देन एक नेशनल रेल प्लान की बात है, मैं यहाँ पे ना नेशनल रेल प्लान में हमें मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है यहाँ पे, मैं इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही मेंस टाइप टॉपिक है, लेकिन कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ पर। नेशनल रेल प्लान में भारत सरकार क्या चाहती है, भारत सरकार का सिंपल सा है दोस्तों यहाँ पे आइडिया है कि हम अपनी जो हमारा जो टोटल जो टोटल जो रेल की जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है, यहाँ पर डेटा है कुछ, ठीक है, थोड़ा सा डेटा, वो कह रहे हैं कि हमने 2000 जो अगर हम देखें कि 2030 और 2050 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम 2030 या 2050 तक हम कुछ टारगेट सेट करें कि 2030 तक हम इतना पहुँच जाएंगे, 50 तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, देन वो कह रहे हैं कि हम अपना जो रेलवे जो कैपेसिटी पहले क्रिएट करें हमारी जो डिमांड से पहले, अदरवाइज़ क्या होता है हमारे यहाँ पर, मान लीजिए कि सड़कों पर अगर 100 गाड़ियां हैं एंड सड़कें ऐसी हैं जो 70 गाड़ियां वो ही कैटर कर सकती हैं, हम कहते हैं अरे गाड़ियां 100 आ गई, सड़कें 70 कैरी कर रही हैं, इतना इतना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, चलो सड़कें बड़ी करते हैं 100 गाड़ियों के हिसाब से, जब तक वो 100 की बनती हैं हमारी गाड़ियां 120 हो जाती हैं, चलो 120 का करते हैं, 150 हो जाती हैं, करते करते वी आर ऑलवेज कैचिंग अप, ठीक है, हम कैचिंग अप रहते हैं। तो सरकार को भी बात तो पता ही है ये वाली, लेकिन क्या करें, रिसोर्सेज की कमी, प्लानिंग की भी दिक्कत हो सकती है ना, मल्टीपल चीजें। तो इसे सरकार कह रही है कि हम डिमांड से को जितना हमारे डिमांड है उस तक पहुंचेंगे 2030 तक, एंड डिमांड से ज्यादा क्रिएट कर देंगे 2050 तक। ठीक है, तो इसीलिए तो सरकार जो टारगेट सेट किए हैं कि 2030 तक भारत सरकार चाहती है, जैसे अभी जो हमारा जो रेलवे से सामान यहाँ वहाँ जाता है, जो फ्रेट जो यहाँ वहाँ पहुँचता है, 27% है टोटल जो रेलवे का कंट्रीब्यूशन, अगर 100 अगर वहाँ पर चीज़ें अगर यहाँ वहाँ जा रही हैं तो 27 रेलवे ही कर रही है, तो सरकार चाहती है कि वो 45% तक लेकर आए एंड जो हमारे 2030 तक, एंड नेट जीरो कार्बन एमिशन करें, कि सरकार चाह रही है कि हम जो कि जितना भी जो रेलवे कंज्यूम कर रही है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बिजली के लिए कोयला एटसेट्रा वगैरह, तो हम उसको वेरियस और तरीके से ऑफसेट करें, तो उसके लिए वो सोलर पावर प्लांट चाहते हैं लगाना एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो नई नई तरह की चीजें वहां पे चाहते हैं, नेट जीरो कार्बन एमिशन, कि अगर कहीं पे कार्बन एमिट हो रहा है तो हम कहीं पे सेव भी करेंगे। ठीक है, तो इफेक्टिवली हम नेट जीरो कार्बन पे बना लेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी 2030 तक, 45% फ्रेट में कंट्रीब्यूशन एंड नेट जीरो कार्बन एमिशन। बाकी जो छोटी छोटी और चीज़ें हैं, हम इतना करना चाहते हैं, इतना ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ वो लगा दिया, कभी आपको थोड़ा सा एंथू मन करे तो लगा देना कि इतना इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, रैपिडली। ओके, देन उसके बाद आखिरी बस गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पे रैपिडली, कि भारत सरकार ने कहा है कि हमें जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पाइपलाइंस की बात करें एक्सेट्रा, तो भारत सरकार चाह रही है कि अभी गैस की अगर हम टोटल बात करें तो हमारे टोटल जो एनर्जी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है गैस की, दैट इज़ वेरी लेस, 6% के आसपास ही कॉन्ट्रीब्यूट करती है एंड, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि हम इसको बढ़ाएं एंड वो जो गैस की कॉन्ट्रीब्यूशन तब बढ़ेगी जब गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो अकॉर्डिंगली अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप क्या चाह रहे हैं कि पहले तो
हमने एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने की बात करी, शुरू कर दिया। देन हम अब हमने नेशनल एक पाइपलाइन भी शुरू कर दी थी, कि कौन सी, नॉट इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन वो वाली नहीं, हमने बनारस तक हम एक पाइपलाइन लेकर आए हैं, नॉर्थ ईस्ट से हमने बनारस को जोड़ दिया, ठीक है। गैस का एक मेजर हब बनाया जा रहा है, ताकि जगह जगह हमारे पास हम जो गली मोहल्लों तक भी हम क्लीन फ्यूल, क्योंकि गैस एलएनजी इट्स अ रिलेटिवली क्लीनर फ्यूल कंपेयर्ड विद पेट्रोल और डीजल, तो हम चाहते हैं इसको अगर हम यूज करें जो फ्यूल स्टेशन एक्सेट्रा वगैरह बनाना। एंड देन हमने दोस्तों जो अब जैसे हमारे पास आपको पता है कि जो पेट्रोलियम रिजर्व्स के हमारे पास जगह हैं, जो हम दो और ऐड कर रहे हैं जैसे चंदीखोल और पदूर में, ठीक है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि हम टोटल ऑलरेडी कौन से थे, विशाखापट्टनम मंगलुरु पदूर में थे, और हम 3+2 कर दिया हमने। एंड देन हम चाहते हैं कि गैस को लेके भी हमारे पास ऐसे कुछ जो स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हों, एंड ताकि जहाँ पर हम लंबे टाइम के लिए हम ऐसी चीज़ों को रख सकें, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ छोटा सा अटैम्प्ट है, बहुत जैसे मैं कहूँगा बहुत कोई बड़ा अटैम्प्ट नहीं है कि आपके लिए बहुत सारा हम चाहें कि कॉन्टेंट और लाना, मन तो बहुत करता है, लेकिन लास्ट मिनट में हमें कुछ करना चाहिए, तो यही है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी हमारी गैस कंट्रीब्यूट करती है एनर्जी में, हमने इसको देखा। देन नेशनल हमारा जो रेल प्लान हमारी बात हो रही है उसमें ब्रॉडर टारगेट है ना, यूपीएससी पूछ ले तो भगवान मजा ही आ जाए। एंड देन उसके बाद क्लास वन क्लास टू टाइप की जो चीजें क्या होती हैं डीपी आईआईटी के हिसाब से, एंड देन उसके बाद हमने देखा कि डीएफसीसीआईएल जो होती है वो कैसे कंपनी बनाई गई, कौन से कॉरिडोर्स हैं इंपॉर्टेंट, कौन सा कॉरिडोर बड़ा कौन सा छोटा, एंड देन लॉजिस्टिक्स को लेके हमने मल्टी जो मॉडल लॉजिस्टिक को लेके प्लांट बना रहे हैं हम, जो जगहें बना रहे हैं, एंड पीएलआई स्कीम हमने काफ़ी एक्सपैंड कर दी है, एंड उसके बाद सनराइज सेक्टर्स नामक चीज़ क्या रहती है उसके बारे में बात भी कर दी हमने, एंड अगर एक और यहाँ भारतमाला प्रोजेक्ट में कहाँ पे जो जोगी घोपा कहाँ पर है एट्सेट्रा असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे, एंड नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल की बात करें वो कौन बना रहा है, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन क्या करती है उसके बारे में देखा हमने, GTAM है ना जो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, हमने हमने एक एक्सचेंज बनाया, हमने जो जहां पर हम एक्सचेंज करेंगे एनर्जी एक्सचेंज IEX, उसी में ही GTAM से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एंड एनर्जी जो मॉडलिंग फोरम है उसके बारे में बात की हमने कि इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसके तहत नीति आयोग ने USAID के साथ मिलकर ऐसे की कैसे सस्टेनेबल डेवलप करने को हमने कुछ बना दिया। ओके, देन जो नेचुरल गैस में क्या कॉम्पोजिशन किसकी रहती है, नेचुरल गैस को हमने ट्रेडिंग को बात करी, चार जो जगहें इंपॉर्टेंट दुनिया में जहां पे जो ट्रेडिंग होती है उसका हम वेटेड एवरेज निकाल के अपने यहां पे डोमेस्टिक गैस की प्राइस निकालते थे, एंड उसको चाहते हैं रिफॉर्म करना। एंड देन यही एनर्जी एक्सचेंज आ गया हमारे पास IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, हमने कंपनी बना दी एक। एंड देन जो ट्राई ने कहा डिफरेंशियल स्पीड कहां हो सकती है कहां नहीं हो सकती, सोलर पावर में हम कहां पीछे रह गए, NCLAT ने वाटरफॉल मैकेनिज्म के बारे में बताया, सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा अगर कंपनी बिकती है तो, एंड पैसा निकलता है तो जो हमारे पास गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एंड देन उसके कंट्री ऑफ ओरिजिन की बात करी हमने, हब एंड स्पोक मॉडल्स क्या रहते हैं हमारे चैंपियंस में, चैंपियंस कौन सी मिनिस्ट्री का था दोस्तों, MSMEs का, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने जो फार्मा इंडस्ट्री में भारत कितना कंट्रीब्यूट करता, जो पहले कितना बाहर की दवाइयां हमारे यहां बिकती थी अभी इंडियन कितनी बाहर बिकती हैं, थोड़ा सा डेटा देखना जरूरी है क्योंकि पर्टिकुलरली देखें जो कोविड ईयर है, जो नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कौन सी मिनिस्ट्री बना रही है, कितना मिनिमम परचेज की बात होनी है। देन इंपॉर्टेंट फंड देखे हमने दो, एक तो सिंकिंग फंड देखा और हमने देखा कि जो हमारे पास बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेकर जो हमारे पास वेलफेयर सेस फंड है उसकी बात की हमने, एंड देन जो DPCO की बात की एंड CDSCO की बात की, दो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, हमने मेडिकल डिवाइसेज भी डाल दी हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। बाकी तो दोस्तों अभी वी कैन ओनली कीप ट्राइंग, ठीक है कि और नया कुछ नया आ जाए तो सवाल भी सॉल्व करेंगे अभी आने वाले दिनों में और ज़्यादा, ठीक है। चलिए मेहनत करते रहिए, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स मैंने आपको कहे थे पढ़ने के लिए वो आपने पढ़े, एंड देन स्वामीनाथन कमीशन जो बारे में पक्का पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट रहता है UPSC जो ऐसी चीज़ें पूछता है, मेंस में पूछ लिया, सोशल ऑप्शन में पूछ लिया स्वामीनाथन कमीशन के बारे में, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा स्वामीनाथन कमेटी स्लीपी क्लासेस, मैंने उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट से समझाए हुए, ठीक है, रैपिडली क्योंकि प्री है, बहुत ज़रूरी है टाइम की कदर करना। ऑलराइट, चलिए मेहनत करिए दोस्तों, बहुत मेहनत कीजिए, रिजल्ट अच्छा आएगा, मेहनत करने से रिजल्ट अच्छा आएगा, बाकी कोई तरीका नहीं है। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।